हाय फ्रेंड्स, मैं साल गुरुंग गुरकुपारकर से, और जो आज का ट्यूटोरियल है वो है आपका नैनी स्टिक का जो है थर्ड पार्ट। इससे पहले मैंने ऑलरेडी दो पार्ट्स बना रखा है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो पहले वो आप सीख लीजिए। उसमें मैंने बेसिक टिप्स बताए कैसे ग्रिप करना है और कैसा नैनी स्टिक होना चाहिए प्रैक्टिस के लिए, और दो तीन मूव बताए, तो वो पहले आप सीख लीजिए, उसके बाद जो है ये मूव सीख सकते हो। तो जो आज का मूव है कुछ इस तरीके से, पहले ये देख लीजिए। दोस्तों, गोरखपुर पार्कौर का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को हिट कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो इस मूव को करने के लिए आप चाहे बैठ के या खड़े होकर दोनों तरीके से कर सकते हो। तो बैठ के आपको थोड़ा सा इजी पड़ेगा क्योंकि खड़े खड़े थक जाओगे इस मूव को करने के लिए। मैं भी बैठ बैठ के प्रैक्टिस किया था। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो कुछ इस तरीके से, पहले आपको राइट हैंड से ऐसे ग्रिप करना है, उसके बाद लेफ्ट हैंड से ये ऑपोजिट ये रहेगा, और जब आप लेफ्टी करोगे तो लेफ्ट से ये करोगे और राइट से आप ये ऑपोजिट ग्रिप करोगे। दोनों हाथ से आपको करना है, तब जाके आपको जो है अच्छा दिखेगा दोनों तरफ से नचते हुए। तो पहला ये ग्रिप हुआ, फर्स्ट स्टेप जो है आपको यहाँ से इसको ये फेंकना है और यहाँ पे ये लेकर आना है, ठीक है। यहाँ से ये फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप आपका। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्पीड में फेंकना है ताकि ये घूमते हुए ये ग्रिप हो जाए, यहाँ से ये ठीक है। यहाँ से ये फेंकोगे, इसको ये छूट के ये ग्रिप होना है। उसके थर्ड स्टेप जो आपका, यहाँ से ये आया, ये छूटा और ये आते ग्रिप कर लेना है, लेफ्टी में आ जाएगा ये, ठीक है। थर्ड स्टेप सेम स्टेप आपको इस साइड से भी करना है, यहाँ से वन, ये छूटते ही टू, और ये यहाँ से वापस आते थ्री, मूवमेंट वापस फिर राइट में आ गया। तो सेम ये यहाँ से ये छूटेगा ये ग्रिप और ये वापस ग्रिप, उसका फिर यहाँ से फिर ये छूटेगा फिर ये ग्रिप। इसी को आपको फास्ट में करना है, तो थोड़ा सा फास्ट में दिखा देता हूँ। ये ग्रिप करना है, उसके बाद यहाँ से ये छूटेगा फिर ये ग्रिप करना है, फिर यहाँ पे आया, उसके बाद यहाँ से ये ग्रिप करके ये ग्रिप करना है, और थोड़ा सा और मोशन में ये, अब यहाँ से फिर ये, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा ये। इसको जब आप प्रैक्टिस करोगे तब होगा, जब स्पीड में करोगे तो आपका जो और स्मूथली होने लगेगा, पर जब रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आप थोड़ा सा धीरे धीरे करके करना, उससे क्या होगा आपको हेल्प मिलेगा टेक्निक समझने में। तो जब आप स्पीड में करोगे तो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। इस तरीके से आप जो स्पीड में कर सकते हो। तो बस इसका सिंपल सा टेक्निक है, पहले यहां से फेंकना है, ग्रिप करना है, उसके बाद ऑपोजिट में करके ग्रिप करना है। ये थोड़ा सा बेसिक है, आप इजिली कर सकते हो, पर देखने वाले को लगेगा कि कितना अच्छे से कर रहे हैं। तो इस मूव का जो है बस थोड़ा सा टेक्निक है, आप आराम से जब रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो है ये मूव इजीली हो जाएगा। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि 360 का या मतलब न्यू स्टंट का होगा। अभी तो बारिश का मौसम है, दैट्स व्हाई जहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे पानी भर गया, इसलिए कोई भी अभी फ्लिप्स का नहीं कर पा रहा हूँ वीडियो, और काफ़ी दिन से बिजी भी चल रहा था, कहीं पर काम वाम था, दैट्स व्हाई वीडियो भी अपलोड नहीं हो पा रहा था। तो अभी बारिश का मौसम है, दैट्स व्हाई मैं नैनी स्टिक का बना रहा हूँ। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ का था, आप कमेंट कीजिएगा कि किस चीज़ का वीडियो बनाना है। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।